कैम्ब्रिज सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय आरएन मिश्रा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 255 एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेज सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 186 ऑफ 255 टू इंटू इंग्लिश। मैं नहीं खिलाया जा चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन फेड। आई शैंट हैव बीन फेड। तुम लोग नहीं पढ़ाए जा चुकोगे। यू विल नॉट हैव बीन taught. You won't have been taught. वह निलंबित नहीं किया जा चुका रहेगा। He will not have been suspended. He won't have been suspended. गीत नहीं गाया जा चुकेगा। The song will not have been sung. The song won't have been sung. मिठाइयाँ नहीं बांटी जा चुकी रहेंगी। Sweets will not have been distributed. Sweets won't have been distributed. आगे देखिए। आप लोग पुरस्कृत नहीं किए जा चुकेंगे। You will not have been rewarded. You won't have been rewarded. वे लोग दंडित नहीं किए जा चुके रहेंगे। They will not have been punished. They won't have been punished. यह काम नहीं खत्म किया जा चुकेगा। This work will not have been finished. This work won't have been finished. हम लोग नहीं पीटे जा चुके रहेंगे। We shall not have been beaten. We shan't have been beaten. उसके द्वारा यह काम नहीं किया जा चुकेगा। This work will not have been done by her or him. This work won't have been done by her or him. ये वृक्ष नहीं रोपे जा चुके रहेंगे। These trees
will not have been planted. These trees won't have been planted. बीज नहीं बोए जा चुकेंगे. Seeds will not have been sown. Seeds won't have been sown. रवि की सहायता नहीं की जा चुकी रहेगी. रवि विल नॉट हैव बीन Helped. Ravi won't have been helped. परीक्षा का परिणाम नहीं रोका जा चुका रहेगा. The result of the examination will not have been withheld. The result of the examination won't have been withheld. हम लोगों द्वारा कुछ नहीं किया जा चुका रहेगा. Nothing will have been done by us. उसे यह काम करने को नहीं कहा जा चुका रहेगा. She will not have been told or asked to. Do this work. अब यहाँ she के साथ आप अगर चाहें तो he भी लगा सकते हैं. He और she, जो आपकी इच्छा. अगर लड़का रहा तो ही, लड़की रहा तो शी. ही और शी वोंट हैव बीन टोल्ड और आस्क्ड टू डू दिस वर्क. ठीक है. हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 186 ऑफ 255. खत्म करना टू फिनिश, रोपना टू प्लांट, बोना टू सो, सो सोड सोन, ये ब्रैकेट में वर्ब का फॉर्म्स है, रोकना टू विथहोल्ड, विथहोल्ड, विथहेल्ड, विथहेल्ड. ठीक है. यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य बनाए हैं. तो नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर को लिख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. शैल नॉट और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट या वोंट होता है. तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट शैंट और वोंट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अभी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बेस में हम आपको बताएं. आइए और सेंटेंसेस देखिए और एग्जांपल्स देखिए. नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें. ओके. मैं नहीं पढ़ाया जा चुकूंगा. मैं नहीं पढ़ाया जा चुका रहूंगा. आई शैल नॉट हैव बीन टॉट. I shan't have been taught. तुम लोग नहीं खिलाए जा चुके रहोगे. आप लोग नहीं खिलाए जा चुके रहेंगे. You will not have been fed. You won't have been fed. उसे बर्खास्त नहीं किया जा चुका रहेगा. He will not have been dismissed. He won't have been dismissed. She will not have been dismissed. She won't have been dismissed. वे लोग गिरफ्तार नहीं किए जा चुके रहेंगे. दे विल नॉट हैव बीन अरेस्टेड. दे वोंट हैव बीन अरेस्टेड. हम लोगों द्वारा यह काम खत्म नहीं कर लिया जा चुकेगा. दिस वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय अस. दिस वर्क वोंट हैव बीन फिनिश्ड बाय अस. आगे देखिए. खेत नहीं जोता जा चुकेगा. द फील्ड विल नॉट हैव बीन प्लॉट. The field won't have been ploughed. The field will not have been tilled. The field won't have been tilled.
वे वृक्ष नहीं काटे जा चुके रहेंगे. दोज ट्रीज विल नॉट हैव बीन फेल्ड. दोज ट्रीज वोंट हैव बीन फेल्ड. उन लोगों को जाने के लिए नहीं कहा जा चुका रहेगा. दे विल नॉट हैव बीन आस्क्ड टू गो. दे वोंट हैव बीन आस्क्ड टू गो.